गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल मुंबई चिकोर मिल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। सो अब बज रहे हैं यहाँ के 8:30। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी बिकॉज कल काफ़ी लेट तक हम बाहर घूम रहे थे। सो आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। और जैसे कि आपको मैंने बोला, यहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मुझे और एक कपल मिल गए थे जो कि मुंबई से थे, वो भी वेज ही ढूंढ रहे थे। तो हमारी वही बात चल रही थी कि इतना बड़ा होटल है बट सारी जो वेराइटीज़ है नॉन वेज में है और वेज में कुछ भी नहीं, वो भी मेरी तरह ही ढूंढ रहे हैं और मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादा फ्रूट्स खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। तो मैं खा रही हूँ अभी फ्रूट और एक हैश ब्राउन मिला मुझे। वैसे मैंने उन्हें फिर आज डोसा बनाने के लिए बोला है बिकॉज वेज में पराठा है प्लेन, जो कि यहाँ पे प्लेन पराठा जो है जो भी है लाइक ब्रेड, इंडियन ब्रेड जो है वो घर पे नहीं बनाते, वो लोग रेडीमेड लेकर आते हैं, उसको माइक्रोवेव में गर्म करके देते हैं। तो वो हमसे नहीं खाया जाता बिकॉज वो होता है अपना मैदा, जैसे हम व्हीट फ्लोर खाते हैं मैदा नहीं खा पाते, तो इसलिए वो मैंने नहीं लिया है। उपमा है बट उपमा में भी ग्रीन पीस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली है जो हम मिलियन नहीं खा पाते। सो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट जो मैं कर रही हूँ। मैंने हैश ब्राउन और ये लिए थोड़े से फ्रूट्स, फ़िलहाल तो इसी से काम चला रही हूँ। डोसा ने बोला है लेट्स सी। डोसा तो अच्छा ही था बट जो उसकी चटनी थी हमारे इंडिया जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, टेस्टलेस चटनी थी। सो अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, एवरीथिंग। आई विल गिव देम 5 स्टार बिकॉज येस, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी है, क्लीननेस बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी। रेस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट मतलब इंडियन फूड, वेज फूड। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आज हम जाने वाले हैं ग्लोबल विलेज, वो क्या है मुझे भी पता नहीं बट मैंने सुना बहुत अच्छा है। तो यस, मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी और सारा टूर जो है, सारा वहाँ का व्यू जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए। सो मिलती हूँ थोड़ी देर में फ्रेंड्स। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल मुंबई जी उर्मी। सो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और हम जा रहे हैं आज ग्लोबल विलेज। तो चलिए आप लोग मेरे साथ और चलकर देखिए कैसा है तो हमारे दुबई का ग्लोबल विलेज। सो लाडो भी है मेरे साथ लिफ्ट में और संपदा भी है, तो हम जा रहे हैं, कैब करेंगे और झटपट जाएंगे ग्लोबल विलेज। तो चलिए आप संपदा टेकिंग लाडू। सो फ्रेंड्स मैं आ गई होटल से बाहर और थोड़े से पिक्चर क्लिक करेंगे फिर चलेंगे आगे। फ्रेंड्स आई एम ऑन माय वे, थोड़ा सा वॉक करके इसलिए जा रहे हैं, मुझे एक जगह पिक्चर क्लिक करनी है, वहाँ यहाँ से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर उसके बाद हम कैब करेंगे और फिर जाएंगे ग्लोबल विलेज। फ्रेंड्स हम आ गए हैं ग्लोबल विलेज, चलते हैं ग्लोबल विलेज के अंदर। Thank you.
फ्रेंड्स, जब दूसरे देश में आप आते हो और आपको इंडिया देखने मिलता है या इंडिया की कोई चीज़, तो उसकी अपनी खुशी होती है। सो ये रहा मेरा फाइनली अपना प्यारा इंडिया। आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। सो फ्रेंड्स, इंडिया देख के मुझे यहाँ इतनी खुशी मिली है, आप सोच भी नहीं सकते हो। दुबई बहुत प्यारा है, नो डाउट है दुबई, बट जो खुशी मुझे मिले इंडिया को देख के। Hey, 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 move to the end.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं आ चुकी हूँ अपने होटल रूम में और लाड़ो सो चुकी है और अब बज रहे हैं यहाँ के ऑलमोस्ट 12 AM, रात के 12। और लाड़ो सो चुकी है, संपदा भी सो चुकी है, सारे ही सो गए। मैं आई हूँ नीचे स्टारबक्स, जो कि मेरे होटल में ही ग्राउंड फ्लोर पे है, कॉफ़ी पीने। और इस अगेन फेवरेट स्टारबक्स की कॉफी। आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलूंगी आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल मैं जा रही हूँ डॉल्फिनियम, वो वहाँ पे क्या है कैसे है मुझे भी नहीं पता, जो भी होगा वहाँ जाके आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पे। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। टेक केयर, जय माता दी दोस्तों।